नमस्कार, स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट शो में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में हुए सीओ जियाउल हक की हत्या से जुड़े सनसनीखेज पहलुओं से। कुंडा तहसील के बलीपुर गांव के प्रधान की हत्या कर दी जाती है। इसी सिलसिले में जांच के लिए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं सीओ जियाउल हक और खबर आती है कि उनकी भी हत्या कर दी गई। ये मामला 2 मार्च 2014 का है। क्या था ये पूरा मामला, चलिए देखते हैं। उनका चेहरा जो बिल्कुल इनोसेंट फरिश्ता की तरह था वो। मैं तो बस 1 साल 13 महीने से मैं उनके साथ हूँ। इतने अच्छे इंसान, इतने स्वीट इंसान, जो किसी को कुछ ऊंची आवाज में बोला ना हो, उसकी मौत ऐसी इतने बुरे ढंग से होती है। तारीख 2 मार्च 2014, स्थान यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया का विधानसभा क्षेत्र कुंडा। बलीपुर गांव के प्रधान की हत्या के बाद जरूरी कार्रवाई के लिए सीओ जियाउल हक अपनी टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंचते हैं। पहुंचने के कुछ मिनट के बाद ही फायर की आवाज आती है और सीओ की हत्या हो जाती है। घटना के समय सीओ के साथ एक इंस्पेक्टर, एक एसआई और उनका गनर रहता है, लेकिन ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। सीओ का मर्डर शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पुलिस के एफआईआर के अनुसार यह एक सीधा सा मामला नजर आ रहा था। लेकिन मामला तब हाई प्रोफाइल हो गया जब इस हत्या में यूपी के बाहुबली विधायक और उस समय कारागार मंत्री रहे राजा भैया का नाम सामने आया। शहीद सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने अपने एफआईआर में जियाउल हक की हत्या के लिए राजा भैया और उनके करीबी कुंडा के चेयरमैन गुलशन यादव, गुड्डू सिंह, रोहित सिंह व हरिओम श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर पहले से ही गुंडा राज का आरोप लगता आया है। इस मामले ने गुंडा राज के आरोप पर आग में घी डालने का काम किया। इस घटना को लेकर समूचा विपक्ष एक साथ होकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने लगा। तब सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने राजा भैया से इस्तीफा लेकर सदन को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी। दफनाया जाता है, वो दफनाए, दोषी लोग जो घटना में किसी भी तरह से दोषी पाए जाएंगे, सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष करेगी। हत्या के कुछ दिनों बाद ही यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई जांच की सिफारिश खुद राजा भैया ने भी की थी। हालांकि सीबीआई ने अपने शुरुआती जांच में ही राजा भैया को निर्दोष करार दे दिया और राजा भैया फिर से यूपी के कैबिनेट में शामिल हो गए। इस मामले में सीबीआई ने प्रधान के परिवार समेत अन्य 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया, जबकि गुलशन यादव, गुड्डू सिंह, रोहित सिंह और हरिओम श्रीवास्तव को भी क्लीन चिट दे दिया गया। ये तो हो गई इस मामले की छोटी सी कहानी। अब हम आते हैं अपनी इस खोजी छानबीन पर। कोबरा पोस्ट की टीम शहीद जियाउल हक के हत्या के पीछे रची गई साजिश को उजागर करने के लिए लगभग 1 साल तक छानबीन करती रही। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर ने इस घटना के समय शहीद सीओ के गनर इमरान सिद्दीकी, तब के नवाबगंज थाने के एसएचओ अरविंद कुमार सिंह, इंस्पेक्टर का ड्राइवर सुरेश सिंह, हथिगांव थाने के आरक्षक शौकत खान, महबूब आलम, विपिन कुमार पांडे, शक्ति दत्त दुबे, गुलाम चंद्र मिश्रा और उस समय इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा के हमराही रहे हबीब सिद्दीकी से संपर्क साधा। हमारी इस छानबीन में साजिश करने वालों के चेहरे तो बेनकाब हुए हैं, साथ ही साथ सीबीआई की जांच के ऊपर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए। चूंकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, इसलिए हमारा किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचना न्यायालय की अवमानना होगी। हमारी छानबीन में निकल कर आया कि पूरे घटनाक्रम में शहीद सीओ के साथ रहे इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। इंस्पेक्टर का चालक सुरेश सिंह और आरक्षक महबूब आलम ने हमारे खुफिया कैमरे पर स्वीकारा कि गुलशन यादव भी घटना के समय मौके पर मौजूद था। सीबीआई को दिए बयान में गांव के अंदर मौजूद पुलिस टीम और गांव के बाहर मौजूद टीम के बयान में भी अंतर है। गांव के अंदर मौजूद टीम के अनुसार 5 से 6 फायरिंग हुई, जबकि गांव के बाहर मौजूद टीम के अनुसार 2 से 3 फायरिंग हुई। इंस्पेक्टर को एसओ ने घटना स्थल पर जाने से मना किया था, उसके बावजूद इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा सीओ को लेकर प्रधान के घर गया। इंस्पेक्टर के साथ 4 आरक्षक भी थे, जिसे उसने अपने साथ नहीं लिया। इंस्पेक्टर के साथ रहे आरक्षक ने भी कहा था कि प्रधान का भाई हिस्ट्री सीटर है,
इसलिए फोर्स आने के बाद ही प्रधान के घर चलें तो बेहतर होगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें साथ लिए बगैर ही सीओ को लेकर गांव में चला गया। गोली चलने के बाद जब सर्वेश मिश्रा फोर्स से मिला तो उसने कहा कि सीओ के साथ साथ सब सेफ हैं। इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा ने अपने सीनियर होने का फायदा उठाते हुए थानाध्यक्ष मनोज शुक्ला और फोर्स को कम से कम 2 घंटे तक गांव में जाने से रोके रखा। सीओ के बॉडीगार्ड ने हमें बताया कि जैसे ही वो लोग पहुंचे, गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जबकि उससे पहले पुलिस के साथ गुस्से वाली कोई बात नहीं थी। आरक्षक शक्तिदत्त दुबे ने हमें बताया कि वो घटनास्थल पर एडिशनल एसपी के पास पहुंचा था, जबकि सीबीआई के बयान में वो मनोज शुक्ला के साथ ही था। तब नवाबगंज के थानेदार रहे अरविंद सिंह ने बताया कि उसने खुद सीबीआई की टीम के लिए दारू और मुर्गे का इंतजाम किया था। जब हमारी खोजे छानबीन जारी थी तब सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े नजर आए, जैसे कि इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा की संदिग्ध भूमिका के बावजूद उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा घटना क्षेत्र के एसओ मनोज शुक्ला और घटना स्थल पर मौजूद एसआई विनय कुमार का भी सीबीआई ने बयान रिकॉर्ड नहीं किया। गनर इमरान ने कहा कि सीओ साहब उसके पीछे थे और जब वो पीछे मुड़कर देखा तो गायब हो गए थे, जबकि सीओ की लाश उसी जगह के पास से मिली जहां से इमरान गायब होने की बात कर रहा था। पुलिस गांव में घुसी, लोगों ने फायर किया और इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा भागकर गांव से बाहर हो गया। पूरी घटना 5 मिनट के अंदर ही हो गई, लेकिन आखिर कैसे मुमकिन हुई? यूपी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र का यह मामला देखते ही देखते हाई प्रोफाइल हो गया। बवाल मचने पर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीओ जियाउल हक की हत्या की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सच्चाई जानने के लिए कोबरा पोस्ट रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला और सैयद मसरूर हसन ने प्रतापगढ़ जिले का दौरा किया और इस मामले से जुड़े लोगों से बातचीत की। आप यकीन मानिए, इस बातचीत में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इस खोजी तहकीकात की शुरुआत हमने यूपी के नवाबगंज थाने में तैनात उस वक्त के थाना प्रभारी अरविंद सिंह से की। अरविंद सिंह उस वक्त घटना स्थल पर पहुंचे थे। बातचीत के शुरुआती दौर में ही अरविंद सिंह ने हमें कई ऐसी बातें बताई जिनका जिक्र ना तो सीबीआई की रिपोर्ट में किया गया था और ना ही किसी गवाह ने सीबीआई के बयानों में इसे बताया था। तो चलिए आप भी सुनिए कि अरविंद सिंह ने हमें क्या कुछ बताया। सर्वेश मिश्रा तो पहले ही सब दौड़ा लिए थे मारने के लिए, जैसे ये लोग पहुंचे थे उन्होंने कुछ कहा था वहाँ, जैसे चलो हो चुका, उठो उठो बहुत हुआ, डेड बॉडी उठाओ, मतलब कुछ शब्द ऐसे उनके मुझे निकल जाते मतलब हैं। एक तरह से डायलॉग डिलीवरी जो है वो मतलब अगेंस्ट होती है, मतलब उससे किसी भी की भावनाएं याद हो सकती हैं। अच्छा। जैसे घर में लोग मरे हो तो इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया ये सब जो वहाँ की जनता को उसके विरुद्ध कर देता है, पुलिस के अगेंस्ट कर देता है, भड़क गई जनता। असली जो है वो चीज ये है, मतलब तब तक पुलिस के अगेंस्ट नहीं रहती है वहाँ की, क्योंकि उसके पहले थानाध्यक्ष घर के सामने मौजूद रहता है वहाँ का, उससे कोई बात नहीं है, उसका भाई उससे लिपट के रो रहा होता है, तो उससे नहीं कुछ होता है पुलिस वालों से, मतलब साथ उसके साथ 4-5 पुलिस सिपाही भी थे, उससे नहीं बात होती है। लेकिन जब पीछे की तरफ जैसे इधर सामने की तरफ वहाँ बरगद के नीचे हम लोग भाई घर है उसका बात हो रही है, दिलवाड़ी यहीं रखी है घर के सामने, और इधर तो पीछे से कोई आ जाए पुलिस वाले 3-4 आ जाए यहाँ पहुँच जाए, और उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है उसमें इंस्पेक्टर की स्पेशली वो गलत हो जाए, तो जो बैठे रहते हैं वहाँ लोग जो रो रहे होते हैं या जो उसके बहुत करीबी रहते हैं वही नजदीक डेड बॉडी रहते हैं, जो देखने सुनने वाले आते हैं और नेता नेता वो तो दूर खड़े रहते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ तो करुण क्रंदन चलता है। सारे सारी फाल इंस्पेक्टर की थी वो बुद्धिमान, मतलब तुम सीनियर थे तुम्हें परिस्थितियों का ज्ञान था, और सीओ साहब बेचारे सज्जन आदमी, उनको लेके नहीं जाना चाहिए था इसको साले या जो पहले वहाँ मौजूद है उससे पूछना चाहिए था, वो रोक रहा है कि जो मत जाओ वहाँ आक्रोशित है, तुम क्या करें तुम्हें जब कोई जानता नहीं तो क्यों जा रहे हो वहाँ। अच्छा, वो ऑफिसर रोक भी रहा है? उसने रोका था, उनको फोन पे रोका था कि जो है वहाँ, दरअसल उसने जब देखी बत्ती नीली जा रही है जलती हुई, वो समझ गया सीओ साहब जा रहे हैं और इंस्पेक्टर साहब दो गाड़ियां जा रही हैं, तो उसने फोन किया कह रहा है वहाँ क्या करने बनने जा रहे हो क्या, तो जैसे नहीं होता है अभी उससे बोलता है किसी को कि वहाँ बनने जा रहे हो क्या, वहाँ क्या करने के लिए अभी आप जा रहे हो। किसी ने कहा जो वहाँ एसओ था वहाँ का मनोज शुक्ला, वो दूसरी जगह था, वो जहाँ लोग आगे आगे जा रहे थे वहाँ भाग के बेचारा पहुंचा। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने हमें बताया कि ये घटना
तब के कुंडा के इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा की बेवकूफी के कारण हुई। सर्वेश मिश्रा ने घटना स्थल पर कुछ ऐसा कहा जो कि पीड़ित परिवार को नागवार गुजरा और भीड़ उत्तेजित हो गई। सबसे बड़ी बात है कि आप जो गाड़ी से आ रहे हो, ठीक, आपके साथ दो दो चार हमराही वही रह जाते हैं। आप क्या कहते हो कि आप लोग गाड़ी से, वो सब कह रहे हैं साहब 2006 में यहाँ गोली चली थी, तीनों भाई एसटीसी से बहुत हरामी है, फोर्स आ जाने दीजिए, तब वहाँ चलिए, अभी और लोग और फोर्स आ जाने दीजिए। सारे थाना अध्यक्ष काल किए गए हैं, अब कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है और आप वहाँ 3 किलोमीटर के पहले फोन कर रहे हैं, तो 47 किलोमीटर ही अगर तय करना होगा तब भी 35-40 मिनट लगेगा ना, घटना जीपों से ज्यादा लगेगा। तो फिर जो घटना होनी थी हो गई है, अब आप वहाँ कुछ करने आप करना है नहीं, तो ये तो हमारा विवेक है कि हम वहीं रुक जाए चौराहे पर, और अगर वो 15 मिनट भी वेट कर लेते तो जो नजदीक थाना अध्यक्ष था वो पहुंच जाता। तो आप किसी को वेट करके, और जब सिपाही कह रहे उनकी बात, उनकी बात भी नहीं माने और उनको साथ भी नहीं लिए, कह रहे सारे जरपो को तुम लोग, इंस्पेक्टर कह रहा है तुम लोग जीप लेकर के उधर से आओ, हम लोग इधर से चल रहे हैं। मतलब जब भोबरिक्स वहाँ घर तक जाने के लिए पिच रोड बनी है उसकी, ये है कि घर यहाँ है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ समझ रहे हैं ऐसे है घर, तो पिच रोड ऐसे आइए, इतना घूम जाना है, अब आप यहाँ खड़े हैं, इनको ये लग रहा था पैदल मैं ऐसे चला जाऊंगा, ये ऐसे घूम के आइए पिच रोड, तो कहे तुम लोग जीप लेके आओ, हम लोग बस ऐसे चल रहे हैं, वो लोग पैदल गेहूँ खेसे चले। अच्छा, जिसने मना किया उसको बोला तुम जीप लेके आओ, तुम डर रहे, तुम्हारी फट रही, सिपाही कह रहे थे उनको, तो पैदल चले गए वहां तक, हैं अब आपके चार सिपाही उसी में रह गए। हम लोगों को खुद ऐसा वहाँ पेश किया जा रहा था, 15 साल करियर में आते हैं, एप्लीकेशन मेरे खिलाफ नहीं पड़ी, यहाँ अनावश्यक वो करके आधार दिया गया, यही लगा ना सीबीआई सपोर्ट नहीं किए, इतनी चीज़ें रखा हूँ, जिस दिन चाहूँ हम सीबीआई पजेता करा देते, केवल विभाग के कारण पजेता नहीं करवाया, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं अभी पूरी फाइल रखी है, मतलब टॉयलेट क्लीनर से लेकर के चप्पल और तौलिया से लेकर के, मतलब कुकर से लेकर, मतलब कोई सामान ऐसा हो जो खरीद के मैंने न दिया हो, टेबल और गाड़ी घोड़ा से लेकर के ड्राइवर अपना तोड़ के दे दिया, सारी चीज़ें मैंने करवाई। किसको दिया? सीबीआई वाले जब गए थे वहाँ। अच्छा, सब हमने व्यवस्था कराई, हम लोगों ने व्यवस्था कराई, और बाद में हुआ पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई वो नहीं कर रही है, स्टल पिस्टल रिकवरी, मतलब सारा खर्चा आप लोगों से करवाया? वही करवाया, बता दें कि कहाँ से आया था सब, मेरे पास अभी भी रखा हुआ पूरा बिल रखा हूँ। और बात जो हुई है कि यार यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं, दारू भेजो, मुर्गा भेजो, सब पूरी रिकॉर्डिंग रखा हूँ मैं, जिस दिन खुलासा कर दूँ सीबीआई हाथ पांव फूल जाती। तहकीकात के दौरान हमारी मुलाकात आरक्षक गुलाब मिश्रा से हुई। मिश्रा ने हमें बताया कि फायर होने के बाद इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा का फोन एसएचओ के पास गया, जिसमें इंस्पेक्टर ने एसएचओ से कहा कि वो घटना स्थल पर न जाकर अपनी जीप के पास आ जाएं। तो इधर से पब्लिक भाग रही थी सर, मैं यादव घर से। अच्छा, तो चूंकि गाड़ी चलने की रास्ता नहीं थी तो गाड़ी उन्हें छोड़ दिया गया, पैदल हम लोग 15-25 कदम चले होंगे, तब तक इंस्पेक्टर का टेलीफोन एसओ में आया कि वहाँ जो है पुलिस को ही ढूंढ ढूंढ के लोग मार रहे हैं और आप लौट आइए, तो ये वो आप कहाँ है, तो इंस्पेक्टर के सर्वेश मिश्रा, सर्वेश मिश्रा, तो हम लोग इंस्पेक्टर के पास आए। सर्वेश मिश्रा ने फोन करके इंस्पेक्टर को बताया कि एसओ को बताया मनोज शुक्ला को कि पब्लिक पुलिस से ढूंढ ढूंढ के मार रही है, आप लोग आ जाइए। हाँ, उधर उधर मत जाइए, आप यहाँ आ जाइए। सीओ जियाउल हक की हत्या के पीछे छिपे चेहरों को सामने लाने वाली इस खोजी तहकीकात के अगले पड़ाव में हमने संपर्क साधा आरक्षक हबीब सिद्दकी से। हबीब सिद्दकी इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा के साथ उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। हबीब ने हमें बताया कि जब वो लोग पीछे के रास्ते से घटनास्थल पर पहुंचे तो इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा के कहने पर वो और हमराइयों के साथ गाड़ी में बैठे रहे। हकीकत आप खुद ही देख लीजिए। सर्वेश मिश्रा के पास फोन आया, उन्होंने कहा चलो यार चलना है, बस बैठे गाड़ी पे चल दिए। अच्छा, फिर उसके बाद रास्ता मालूम नहीं था, आगे गाड़ी बड़ी फिर पीछे बड़ी। तो आगे गाड़ी किसकी थी, आप लोगों की गाड़ी थी या सीओ साहब? हम ही लोग आगे थी, फिर सीओ साहब गाड़ी थी, फिर एक आदमी दिखाई दिया कहा पैदल इधर चल सकते हो, गाड़ी घूम जा सकती है, तो इंस्पेक्टर साहब का ठीक गाड़ी लेके तुम लोग आओ उधर से चले, उधर हम लोग गाड़ी आगे बढ़ गए, सीओ साहब भी कूद के चले गए पीछे पीछे, वो आप लोग देखे नहीं गाड़ी आगे बढ़ गई, साथ चले गए।
आप लोग जैसे गाड़ी खड़ी करके उसे फायर होने लगा। बचाव में लोग फायर करना चाहिए था। सीओ साहब कुछ पिस्टल लिए थे, इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर साहब अगर फोन हम लोग बताते कि हम लोग यार पुलिस फायर कर रहा है, भाग करके आओ, कहाँ रुक गए हो। अब जब आदमी फायर होने लगेगा तो अपने आप सोचे कैसे फायर होने लगा, कहाँ हो रहा। तो बाद में जब इंस्पेक्टर आप लोग फायर हुआ तो आप लोग गए नहीं बस कैसे पूछोगे बताइए। अभी बार ठेला किधर मालूम हो तब ना इंस्पेक्टर साहब तुरंत आ गए ना भाग करके। जैसे फायर होने लगा दो मिनट बाद आ गए। उन्होंने आगे बताया नहीं कि सीओ साहब को मार दिया। फायर सब भाग गए, मारे नहीं देखे। फायर सब इधर उधर भाग गए और हम लोग ऊपर सारे फायर मार दिए। भाग गया सब भाग गए इधर उधर। दो घंटे बाद दूसरा गया सीओ साहब। खोजी छानबीन को और आगे बढ़ाते हुए हम जा पहुंचे सीओ जियाउल हक के उस वक्त के गनर रहे इमरान सिद्दीकी के पास। इमरान घटना वाले दिन भी सीओ जियाउल हक के साथ ही ड्यूटी पर तैनात था। इमरान ने हमें बताया कि घटना वाले दिन जब ये लोग गांव के पास पहुंचने वाले थे तो इंस्पेक्टर ने कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। इनके गांव पहुंचते ही लोगों ने खुद पर खुद फायर करना शुरू कर दिया। तो हम लोग पीछे से ऐसे पहुंचे, एकदम सामने लाइट सब खड़े थे, प्रधान क्लास रखी थी, लोग रो रहे थे। जैसे ही भीड़ में ये हुआ कि हटिए हटिए, इंस्पेक्टर साहब कहें कि भैया ये कैसे हुआ, मतलब रिस्पेक्टफुली कहें कि भैया कैसे हुआ। तो इतने में जो है उधर से एक आदमी जो है कोई लड़का था, उसने कहा कि तो चुप रहा। तो फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा भैया कैसे हुआ ये, तो कहा दब आ रहे हो, यही बात कह के फायर कर दिया। फिर उसी वक्त फायर कर दिया, उसी हवाई फायर हुआ, मतलब सामने की ओर, मतलब लगी नहीं गोली किसी के, फिर गोली नहीं लगी। फिर ये हुआ, हमने और दरोगा जी ने, हमने कहा साहब आप पीछे थोड़ा आइए। फिर साहब खड़े थे, साहब को हमने ऐसे झपट्टा मार के पीछे के, हमने कहा साहब क्या किया, कहें कि यार यहाँ से किसी तरह से निकलो और एक हत्या हुई है, फायर करना इस पर ठीक नहीं है। सब भर में हमने देखा इधर, तो हमने कहा साहब कहीं भी आप थोड़ा निकले। फिर साहब आगे आगे, फिर मैं पीछे, उसके बाद पीछे से हमारा डंडा पड़ा पीठ पर और ये हाथ पर, तो डंडा पड़ा। तो हमने सोचा यार कार्बाइन है, कार्बाइन जो है कहीं मैगजीन उसके लगा जैसे डंडा, लाठी तो हमने सोचा गिर गई। फिर उसको हम देखने लगे कहाँ गिर, इधर उधर देखने लगे। फिर तब तक जो है फिर साहब निकले और भीड़ थी उसमें, औरत बच्चे लड़के सभी भाग रहे थे, सभी आगे पीछे हाथ रहे थे। उसी में फिर मैंने दोबारा जब देखा तो साहब दिखाई नहीं, फिर आगे किधर निकल गए मैं देख नहीं पाया। साहब को तलाशते हुए हम और दरोगा जी बिना साहब खेतों की तरफ निकल गए। वो पता नहीं क्यों पुलिस के ऊपर गुस्सा थे, ये नहीं बात समझ गए। हम लोगों पहुँचते ही हमला कर दिया। अच्छा, आप लोगों के पहुँचते ही हमला कर दिया। हाँ, कितना टाइम लगा पहुँचने हमला करने में? जैसे इंस्पेक्टर साहब ने पूछा ये कैसे हुआ, फिर उसने गाली दिया, फिर कह रहे भैया हम आपकी हेल्प में आए हैं, कहा मारो उनको। उसने फायर इन लोगों को बुला के वहाँ पे पूछताछ होती थी जी, तब खूब हुई है दबा के उसके खाजे से। अरे एक एक घंटे दो दो घंटे शाम तक बैठा ले रहते थे सब आदमी को, हमको, इंस्पेक्टर साहब को, शुक्ला को, विनय साहब को। मतलब वो मौका देख के निकल लिए अभी। हाँ, इधर खस्ती इधर आप लोग बचाने की कोशिश तो किए, लेकिन उन लोगों को बचाने की कोशिश वो कुछ नहीं, वो निकल लिए मौका देख के। बोले हैं फिर सीओ साहब के बगल में आए, फिर अब इनको मैं नहीं देख पाई ये किधर निकल गए इंस्पेक्टर साहब को। चुकी नहीं नहीं, जब तक आप लोग गार्ड करके पीछे ले जा रहे थे जैसे आप सीओ साहब को, बीच इंस्पेक्टर साहब को मैं नहीं देख पाए किधर निकल, वो गायब हो चुके थे। हां मैंने देख नहीं पाया किधर निकल। तो ये जो सारे जो घटना घटी जिस वक्त आप लोग गार्ड कर रहे थे सब कुछ, उस वक्त सर्विस मिश्रा भाग चुके थे? शुरू में सर्विस मिश्रा थे कुछ देर, मतलब पब्लिक जब भड़क गए उसके बाद तो भाग ही गए। नहीं, दो चार डंडा खाए हैं, रोक रहे थे, डंडा खाए हैं, जब दो चार डंडा ही खाए हैं अब समझे होंगे कि नहीं समझ रहे हैं तो पीछे सरके हैं। आगे हमारी मुलाकात हुई आरक्षक महबूब आलम से। घटना के वक्त महबूब आलम हथीगवां थाने के SHO के साथ गांव में ही मौजूद था। महबूब ने हमें जो बातें बताई वो सीधे सीधे इंस्पेक्टर की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही थी। महबूब ने हमें बताया कि घटना के दिन इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ही सीओ को गोली मारी गई थी। वहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके हम लोग पैदल अपना चल लिए। तीन या चार तीन लोग थे, दो लोग तो वहीं छूट गए। हम शमशेर लाल जी मिश्रा थे, कौन थे साहब थे, इस्तेलाल लिए थे हम लोग अपना अलर्ट पोजीशन में चल दिए। वही वही जैसे गुड्डू सिंह के घर के पास पहुंच रहे हैं, तैसे ताड़ ताड़ तीन चार फायर हो गया।
तब हम लोग अपना लेट गए, हमको साहब कहाँ फायर हो गया, किसके ऊपर नहीं आ रहा है। बस यही हम लोग आपस में बोल रहे हैं, लाइट वाइट टॉर्च वॉर्च नहीं जला रहे हैं, ये भीड़ किसी के ऊपर फायर कर दिया, मतलब ये कुछ के ऊपर या किसी के ऊपर, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तक दो एक दो मिनट तीन मिनट के बाद इंस्पेक्टर का फोन आया एसओ के पास, तो कहा तुम कहाँ हो, ये हमारे ऊपर गोली चला दिए हैं, ये सब या तो हमारे गोली चला दिए हैं, मार डालेंगे, कहाँ हो तुम लोग। तो ऐसे साहब कहे मैं यहीं तो खड़ा हूँ बड़ी चौक पे, और आगे आगे गुरपुर सिंह के घर के सामने पहुँचा हूँ। तब तक कहा तुम अपनी गाड़ी के पास आओ, वो भाग के वहाँ से हमारी गाड़ी के पास आ गया था, जीप के पास इंस्पेक्टर। अच्छा, तब तक ये कांडो लोग वहाँ पहुँच गया था, सीओ को वो भागे हैं छोड़ के, गोली लगी है सीओ को, तो यहाँ आ गए। तो हम लोग दौड़ के गाड़ी के पास गए, गाड़ी के पास गए तो इंस्पेक्टर मिला, तो ये हुआ कि सीओ साहब कहाँ गए। एसओ साहब ने ये पूछा कि सीओ साहब कहाँ गए, कहा यार वो गोली चला दी हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, सीओ साहब कहीं छिप गए हैं, और कहीं छिप गए हैं तो पता नहीं चल रहा है किसी का। तो तुरंत सीओ साहब लगे फोन, एसओ साहब ने लगाया मोबाइल बंद, फिर गनर के पास लगाए मोबाइल बंद। वो सकल भाई बता रहे थे कि वो आके बोला कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब छिप है। तो फिर उसके पास इमरान के पास लगाए, उसका भी स्विच ऑफ, ये दोनों लेट गए थे खेत में मोबाइल बंद करके, एक एक लाठी दो दो लाठी के पाए हैं जो ये लोग बता रहे थे। तो ये हुआ कि यार चलो जो है देखा जाए, नहीं तो सीओ साहब को कहीं बंधक ना बना लिए हूँ, कहा कुछ नहीं कोई नहीं जगह, सीओ साहब सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोला है? इंस्पेक्टर सर्विस। अच्छा, कहा सीओ साहब सेफ है, वहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं है, नहीं मारे जाओगे। इसका मतलब ये देख चुका था कि कहीं छिपे हैं, इसको मालूम हो गया था कि सीओ साहब को मार चुका, सारी गलती इसी साले कुत्ते की। हम लोग एकदम अलर्ट हो गए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे या मारेंगे को, एकदम आगे बढ़े रहा असलाह लेके, ये दौड़ के खड़ा हो गया, कोई फायर नहीं करेगा और कोई आगे नहीं जाएगा बिना हमें इजाजत। भाई इंस्पेक्टर था ये, तब दरोगा एसओ थे, सिपाही थे, तीन स्टार वाले थे, सबसे सीनियर ऑफिसर वही था। पंकज सिंह आ गए, मनो एसओ मानिकपुर, उनकी गाड़ी आ गई। तब ये हुआ कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा, वो भी आया जो है आगे बढ़े जो है गाँव में सब, लेकिन ये दौड़ के आगे, कोई मेरे बिना इजाजत की हरकत नहीं करेगा, कोई भाई नहीं करेगा, वहाँ जाओगे मारे जाओगे, सब सुरक्षित है वहाँ, कहीं छिपे हैं और सब छत पे लैस हैं, फायर कर दें हमारे ऊपर, ये है वो, चिल्लाने लगा, आगे खड़ा हो गया। तो जब वो आगे खड़ा हो गया, इंस्पेक्टर हो के दरोगा हो के, सिपाही क्या करें, हम लोग का एकदम खून खौल गया था उस समय। और जो कि इतनी भगदड़ हुई, जो भीड़ थी इतनी भगदड़ हुई, तो उसी में कोई कहा कि सीओ साहब की गोली लग गई है, इसी भगदड़ में जो भीड़ थी वहाँ इकट्ठा, तो उसी में तीन चार लोग को पकड़ लिए थे, चार जनों को, तो उनको थाने ले गए थे, तो उन्हीं से बयान लिए टाइट करके, तो हकीकत पूरी बताए कौन कैसे मारा। तो ये हुआ कि सीओ साहब की गोली लग गई है, चलिए बढ़िए आगे। तो इंस्पेक्टर का कौन कहता है गोली लग गई है, जो बता रहे थे वहाँ के लोग जो है, ये जब पहुँचे हैं वहाँ पे, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, विनय प्रताप सिंह दरोगा और इमरान, अब इनकी हमराही भी साथ में नहीं थे, जीपे में बैठे रह गए, जीपे में बैठे रह गए, हमराही नहीं उतरे थे। तो जब ये गए, तो जब ये वहाँ गए, तो भीड़ सामने से आ रही थी, अब ये आमने सामने पहुँच गया, हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अब इनको रुकने के लिए कहा गया बलीपुर चौराहे पे, तो ये अंदर घुस गए लेकर। कौन? इंस्पेक्टर। अच्छा, इंस्पेक्टर से बात, इंस्पेक्टर से बात हुई थी साहब से ना, कि आप बलीपुर चौराहे पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मेरे पहुँचने से, जैसे मैं पहुँच रहा हूँ वैसे आगे घुस गए, तो हम लोग इधर देख रहे हैं सीओ साहब आ रहे हैं, इंतजार कर रहा हूँ, और वहाँ पहुँच गए। वो जब ऐसा था ना, वो छत पे थे, और जब नीली बत्ती वहाँ से देखे हैं आ रही थी, तब वो भागे हैं घर से, कुत्ते भौंकने लगे। ये हुआ कि यार चलो बहुत भाग रहे हैं, मारो तो यही सब मारे हैं गोली, अरे कोई नहीं कि जाएगा मेरे हरकत के बगैर। जब कुत्ते भौंकने लगे, तभी वो भागे थे वहाँ से, बत्ती देखे, गुलशन यादव वहीं खड़ा था पीछे, वहीं से बता। अच्छा, गुलशन यादव भी आ गया। बाद में सब जब गोली लग गई, तो सब भाग गए, छविनाथ वगैरह जो थे, छविनाथ वगैरह जो थे सब भाग गए। गुलशन यादव वहीं पे था, गुलशन यादव पीछे ही खड़ा था। अगले पड़ाव में हम जा पहुंचे यूपी पुलिस में आरक्षक शौकत खान के पास। शौकत खान घटना के वक्त हथीगवां थाने में ही तैनात था, और उस दिन उसकी ड्यूटी भी क्षेत्र में ही थी। शौकत खान ने हमें जो तमाम बातें बताई, वो वाकई बेहद चौंकाने वाली थी।
तो इनका मनोज शुक्ला और सर्वेश मिश्रा का सीबीआई ने इंक्वायरी किया था? अरे तो वहीं कई दिन रखे हैं, कई दिन तो देखिए हैं। मतलब इन लोगों को 10-15 दिन किया? हाँ, इन लोगों को 10-15 दिन तक इंक्वायरी चलता रहा इन लोगों का? हाँ हाँ, क्या ये लोग कई दिन इन लोगों को बुलाया गया। अच्छा, जबकि उसको तो बहुत घेरे थे, उसका नाम है सर्वेश कुमार मिश्रा। घेरे थे मतलब? मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा टास्क रहते थे, मतलब करना कई दिन तक बुला बुला करके, दिन दिन भर रहा बैठा करके एकदम बिल्कुल जो है तो काफ़ी ये करती है। सर्वेश मिश्रा भाग के आप लोगों के पास आ गए? हाँ, सर्वेश मिश्रा जो है भाग करके जहाँ हम लोग वहाँ गए थे आग बुझाने, जहाँ इंस्पेक्टर था हमारे थे वहाँ, वहाँ ये पहुँच गया भाग करके। सब सेफ है, सेफ है, यही वर्डिंग थी। और वहाँ पे सबसे सीनियर ऑफिसर ही था, मिश्रा ही था? हाँ, सबसे सीनियर ही थे, तो उसके बाद तो वो काट भी नहीं सकते थे। हाँ, यही समस्या थी ना, समस्या यही थी। देख रहा, वो तो देखा है, देखने के बाद तब भगा है। कौन? वही इंस्पेक्टर। अच्छा, देख रहा था कि मार रहे हैं? हाँ, तो मारते हुए तो देखे, तभी तो भगे हैं जो है। अब फिर वहाँ जाकर झूठ क्यों बोलना? वहाँ बता रहा है कि नहीं नहीं सब सेफ है, सेफ है। फिर हम लोग भी जब तक आ गए उधर था, बुझवा कर बुलवा लिए, जब बाद में तब तक दो एक थाने की फोर्स और आ गई, तो उनको लेकर गए। फिर इन्होंने कहा था चला जाए, देखा जाए, घर है, सब साले पोजिशन में बैठे हैं, फायर कर देंगे, मार देंगे जो है। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात सुरेश प्रसाद सिंह से हुई। सुरेश उस वक्त इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा का वाहन चालक था। सुरेश से हमने दो बार मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में सुरेश ने हमें कई ऐसी बातें बताई जिससे इस घटना में साजिश की बू आ रही थी। सुरेश ने हमें बताया कि घटना वाले दिन जब वो इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्रा के साथ घटना स्थल पर जा रहे थे, उस वक्त इंस्पेक्टर के फोन पर नेताओं के फोन आ रहे थे। ये फोन कॉल्स ये जानने के लिए आ रहे थे कि इंस्पेक्टर मिश्रा और सीओ कहां पहुंचे हैं। मतलब किसी का कोई फोन नहीं था? इंस्पेक्टर साहब के फोन पर प्राइवेट लोगों का फोन आ रहा था। अच्छा, प्राइवेट नेता नगरी टाइप, जो छोटे भैया नेता होता होते कि कहाँ है आप, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, इस टाइप की बात। मतलब प्राइवेट एरिया के लोकल लोगों का फोन, प्राइवेट लोगों का फोन आ रहा था। क्योंकि कुंडा के कुछ यादव वादव नेता जो वहाँ मौजूद थे ना पहले से। अभी जो सीओ साहब वाली घटना हुई थी, गुलशन यादव घटना के स्पॉट पे था? हाँ, बता था मैंने, उसने फर्स्ट बात हुई थी। अच्छा, तो उसके दरवाजे पे लोग मौजूद थे, गोली चलने के बाद भागे हैं वहाँ। अच्छा, गुलशन यादव थे वहाँ। और आगे हमारा सामना हुआ यूपी पुलिस में आरक्षक विपिन कुमार पांडे से। विपिन कुमार भी घटना के दिन एसएचओ मनोज शुक्ला के साथ बतौर हमरा ड्यूटी पर था। विपिन ने हमें जो बातें बताई वो इंस्पेक्टर मिश्रा की भूमिका को शक के दायरे में लाती हैं। विपिन ने हमें बताया कि इंस्पेक्टर जब भाग कर आया तो उसने हमें बताया कि सीओ साहब सुरक्षित है और कहीं छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर कुंडा सर्वेश मिश्रा का फोन आता है यशो महोदय के मोबाइल पे, तो कहने यार वापस चलो, इंस्पेक्टर साहब गाड़ी के पास आ गए। हम लोग वापस आते हैं और जब वापस आते हैं तो गाड़ी के पास पीछे इंस्पेक्टर कुंडा मिलते हैं। ये मिले अकेले अकेले, तो इन्होंने बताया कि यार हम लोग वहाँ प्रधान के घर पे गए थे, तो प्रधान के घर वाले हम लोगों पर फायर कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो दो फायर हुआ था यही फायर था। तो ये हुआ कि सब लोग भाग गए हैं और सुरक्षित हैं, सीओ साहब भी सुरक्षित। अच्छा, इसने बोला? हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा कि हम लोग भाग गए हैं, सब लोग अपना जान बचा के भाग गए हैं और सब सुरक्षित। जबकि वो सीओ साहब को पिटते हुए देख के आया था? सीओ साहब को पिटते हुए उनके साथ ही में रहा भाई, अब देख के आया कैसे किया, अब साथ में तो था ही वो। अच्छा, लेकिन यहाँ जो हम लोगों को बता रहे थे, हम लोग तो काफी दूर थे, उन्होंने जो बताया यही शब्द थे उनके कि हम सब भाग आए हैं और सब सुरक्षित हैं, सीओ साहब भी सुरक्षित। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा कि चलो देखा, मोबाइल मिलावा जाए, मोबाइल स्विच ऑफ, विनय सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ, गनर जो इमरान है उसका मोबाइल स्विच ऑफ और इनका सीओ साहब का भी मोबाइल स्विच ऑफ। फिर क्या होता है कि ये हुआ कि यार चलो देखा जाए, ये होता है भाई फोर्स आ जाने दीजिए, वही कहता है काउंटर। अच्छा, बताया कि फोर्स आ जाने दे। तो अब हम लोग मुश्किल से 7-8 जने रहे,
इंस्पेक्टर लोग मिला के 10 जने हो गया हो, तो इतने में बात करते कराते टाइम कुछ न कुछ लगी गया। चार छह थाने के कोर्ट और आई और फिर तब भी नहीं गए। कौन नहीं गया? यही इंस्पेक्टर। क्या बोला? यही कि आज आने दो फोर्स, अपनी ताकत मजबूत करके तब चलिए, वो फायर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपसे पूछ जो बयान आप पूछताछ नहीं की गई थी या बयान से बयान लिखवा दिया आपने? हो गया नहीं, और कुछ पूछताछ नहीं, केवल बयान लिखाया गया। अच्छा, कोई पूछताछ नहीं हुई थी? अच्छा, जो अपना अपना जिसको जो बयान लिखवाना, सबने अपने अपने बयान लिखवा दिए, हो गया। अच्छा, और इन लोगों मनोज शुक्ला, सर्वेश मिश्रा का भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की होगी? इन लोगों से तो पूछताछ हुई रही होगी, इन लोग तो कई वहीं रहते ही थे। सीबीआई ने अपने साथ ही बैठा लिया था, वहीं रहते ही थे। अच्छा, और अपना फिर वहाँ शाम को फिर थाने चले जाते थे, तो पूरे दिन वहीं रहते थे सीबीआई के साथ? उनको छोड़ नहीं करते, नहीं छोड़ते थे, साथ रखते। तो देखा आपने कैसे सीओ जियाउल हक की सनसनीखेज हत्या के वक्त मौके पर मौजूद लोग खुफिया कैमरे पर क्या कुछ बोल रहे हैं। गुलशन ने कहा अच्छा, तो आप 9-10 बजे रात को पहुंचे थे, एडिशनल के बाद? एडिशनल के बाद पहुंचे थे, बहुत देर बाद। हमारी कोशिश इस हत्याकांड के पीछे छिपे सच को तलाशने की थी। आज के शो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।